गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंटिन्यू किए हैं, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी एंड मैंने काउथर्स की गिलक्रिस्ट की डेफिनेशंस बताई थी, गिलक्रिस्ट ने डिफाइन किया। इसके बाद मैंने पॉलिटिकल पार्टी कंपोनेंट्स बताए, कंपोनेंट्स के बाद मैंने पॉलिटिकल पार्टी के नेचर को बताया। आफ्टर दैट मैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा रहा था। तो फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में जो हम लोगों ने पढ़ा, पहला पढ़ा कॉन्टेक्स्टिंग द इलेक्शन, कॉन्टेक्स्टिंग द इलेक्शन। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉन्टेक्स्टिंग द इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी के साथ या एजेंडा, इलेक्शन का एजेंडा जो होता है, एजेंडा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एजेंडा फ्यूचर में एक प्रोमिसेस, फ्यूचर की प्रोमिसेस होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, कि अगर हमारी सरकार बनी, हम इलेक्शन जीते, अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस बेस पर वर्क करेंगे। इसी को एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। तो यू शुड ऑल्सो कंसिडर दैट व्हाट इज एजेंडा, कहते हैं मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो दैट इज व्हाट इज मैनिफेस्टो। तो मैनिफेस्टो क्या होता है, दैट इज द प्रोमिसेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विद द पब्लिक दैट इफ वी विल विन द इलेक्शन इन द इलेक्शन देन वी विल वर्क ऑन दिस क्राइटेरिया, दैट इज नोन एज ए मैनिफेस्टो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, या हिंदी में उसे एजेंडा कहते हैं, दैट इज नोन एज ए एजेंडा ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो बेसिक पहला तो हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो, इलेक्शन के पहले अपना मैनिफेस्टो बनाती है और मैनिफेस्टो को बेस बना करके वो इलेक्शन का कंपेरिजन करती है, वो इलेक्शन कंपेरिजन करती है अपने मैनिफेस्टो के बेस पर, क्या अगर हमें वोट देंगे और हमारी सरकार बनती है तो हम इस क्राइटेरिया पर वर्क करेंगे, दैट इज नोन एज ए मैनिफेस्टो। तो बच्चों मैनिफेस्टो के बाद फिर हम लोगों को जो पढ़ना है, तो हमें मैं बता रहा था कि हर पार्टी बेटा, जैसे हमारे कंट्री में 543 अगर हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करें, लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा के केस में हमारी कंट्री की जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, वैसे हमारी जो लोकसभा की मेंबरशिप है वो 545 है। इन वेज 543 आर इलेक्टेड एंड 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जब ये 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी बेटा एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, ज्योग्राफिकल एरिया जहां जिस एरिया के लोग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन करते हैं उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। और हमारा देश 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है। जैसे इलाहाबाद में देखा जाए तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक फूलपुर और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी काउंट की जाती है, फूलपुर एंड इलाहाबाद। ठीक है, तो ये एक ज्योग्राफिकल एरिया, और ये ज्योग्राफिकल एरिया ऑन द बेस ऑफ पब्लिक पॉपुलेशन के बेस पर डिसाइड किया जाता है। ऐसा स्टार्टिंग में माना गया था कि 1,000,000 में से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड बी इलेक्टेड। तो ये जो 543 कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पार्टी इस एरिया पे बेटे अपने कैंडिडेट को डिसाइड करेगी, अपने कैंडिडेट को वो टिकट देगी और फिर वो एक टिकट, एक कैंडिडेट सेलेक्ट करेगी पार्टी की, ये इस एरिया के दिस पर्टिकुलर पर्सन विल रिप्रेजेंट टू दिस पार्टी और ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सारे हमारे इस पार्टी के मेंबर्स को, सारे लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए और इनका कंपेरिजन करना चाहिए। तो इस तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टियां अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर वो नेशनल पार्टी है तो लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अगर वो किसी से कोलैबोरेट नहीं हुई है तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने कैंडिडेट को उतारती है, सिलेक्ट करती है, और वो कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका रिप्रेजेंटेशन करता है और चुनाव में पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज करती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो इलेक्शन में
हर आदमी की अपने, अगर सब कोई इंडिविजुअल चुनाव लड़ेगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिविजुअल चुनाव लड़ने लगेगा बंदा, तो बेटे हर आदमी की अपना अलग मैनिफेस्टो होगा और दुनिया में लोग समझ नहीं पाएंगे कि हमें कौन से मैनिफेस्टो को फॉलो करना चाहिए। तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द इलेक्शन में। फिर दूसरा बच्चों मैंने बताया था मेकिंग ऑफ द, दूसरा मैंने बताया था कि चुनाव के बाद बेटे आफ्टर इलेक्शन जो पार्टी चुनाव जीतती है, द पार्टी व्हिच मतलब व्हिच ऑन द इलेक्शन वो पार्टी या द पार्टी व्हिच सिक्योर द मेजॉरिटी इन द लोकसभा आफ्टर द इलेक्शन, उस पार्टी को बेटा सरकार बनाने का इनविटेशन मिलता है बाय द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के थ्रू जब उन्हें सरकार बनाने का इनविटेशन मिलता है तो वो सरकार बनाते हैं बेटा। तो फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट भी एक पॉलिटिकल पार्टी का ही काम होता है। द पार्टी व्हिच सिक्योर द मेजॉरिटी इन द लोकसभा या स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में विधानसभा या जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उसमें जो पार्टी अपना मेजॉरिटी गेन करती है उस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है, वो पार्टी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। दैट पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो दैट पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए ना पूछो, तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना या गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का फॉर्म करना, दिस इज द वर्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। द पार्टी व्हिच सिक्योर द मेजॉरिटी, द पार्टी व्हिच ओन द मेजॉरिटी इन द इलेक्शन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। उसको उस सरकार बनाने का प्रेसिडेंट की तरफ से इनविटेशन मिलेगा, स्टेट असेंबली का इलेक्शन होगा तो बाय द गवर्नर की तरफ से इनविटेशन मिलेगा एंड इट विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल पार्टी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम और सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट होता है। कैप्चरिंग द पॉलिटिकल पावर मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद मैंने बताया था बच्चों लॉ मेकिंग का काम। इसके बाद मैंने बताया था रोल ऑफ अपोजिशन। ने बताया था कि पोलिटिकल पार्टी द पार्टी विच डज नॉट गेन द मेजोरिटी, द पार्टी विच डज नॉट सिक्योर द मेजोरिटी, वो पार्टी बेटे अपोजिशन में बैठती है और सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करती है, उसकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी का निगेटिव पार्ट होता है उसे रिप्रेजेंट करती है बिफोर द पब्लिक, उसे एक्सप्लेन करती है द पार्टी। तो दिस इज द रोल ऑफ ऑल्सो पोलिटिकल पार्टी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, टू कंट्रोल ऑल्सो द गवर्नमेंट and to show the negative part of the policies of the government, इसको show करने के लिए बेटे एक अलग एक opposition leader होता है जिसे role of role of opposition का काम भी बेटे political parties के through ही perform किया जाता है। although वो political लोकसभा में एक leader of opposition होते हैं, वो भी किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, या राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो भी किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से अब जो इसके बाद मैंने बताया था लॉ मेकिंग, वैसे मैंने बताया था कि लॉ मेकिंग इज द मेन फंक्शन, मेन रोल ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मीन्स पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट काम होता है, इसका नाम ही होता है बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेट मतलब फॉर्मेशन ऑफ द लॉ, एंड ये एक तरीके से जो पार्लियामेंट होता है बच्चों वो एक तरीके से एक प्रोसेसिंग का काम करता है। इसमें जो बेटा जो वर्ग जैसे मान लेते हैं पार्लियामेंट है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, राज्यसभा। तो जो बेटा लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के मेंबर मैंने बताया था, तो जो पब्लिक की डिमांड आती है उस पब्लिक के डिमांड को प्रोसेसिंग करता है एक तरीके से। ये सीपीयू है कंप्यूटर का लोकसभा और लोकसभा ये पार्लियामेंट, यहाँ पर पब्लिक की डिमांड को बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू लाया जाता है और उसको लॉ बना करके आउटपुट किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द लॉ होता है। और ये लॉ फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है ये प्रोसेसिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अगर लोकसभा का कोई बिल पास होता है, मान लो कोई कानून बनाना है, सरकार के पास कोई कानून बनना है सपोज दैट, तो जो लोग अगर लोकसभा का कोई मेंबर उस बिल को लाता है, तो अगर वो बिल किसी मिनिस्टर के थ्रू लाया जाता है तो उसे कहा जाता है गवर्नमेंट बिल। अगर किसी मिनिस्टर के थ्रू ना ला करके किसी मेंबर के थ्रू लाया जाता है, सिंपल मेंबर के थ्रू लाया जाता है, तो उसे कहा जाता है प्राइवेट बिल। और बेटा उस बिल पर डिस्कशन होने के बाद बिल पास होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है,
राज्यसभा में भी डिस्कशन होता है, अगर बिल पास हो गया तो वो साइन होने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जैसे प्रेसिडेंट एज वेल एज प्रेसिडेंट साइन द बिल इट बिकम द इट टेक द शेप ऑफ द लॉ। अदर इसके पहले वो बिल है लेकिन जैसे प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया वैसे बेटा लॉ बन जाता है। तो अगर राज्यसभा के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो लोकसभा के थ्रू पास बिल को अगर लोकसभा के पास बिल को या तो वो रिजेक्ट करे और या तो पास करे। अगर रिजेक्ट करती है तो लोकसभा के पास और भी दूसरे मेथड है उसे पास कराने के, वो ज्वाइंट प्रेसिडेंट को, क्योंकि लोकसभा से बिल पास हुआ है इट मीन्स दैट सरकार चाहती है कि बिल पास हो, क्योंकि लोकसभा में तो सरकार की मेजोरिटी होती है। अगर सरकार चाहती है तो बेटा सरकार तुरंत पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे टू कॉल द ज्वाइंट मीटिंग, और जैसे ज्वाइंट मीटिंग होगी तो ज्वाइंट मीटिंग में जानते हैं कि राज्यसभा के मेंबर कम होते हैं 250 हैं और लोकसभा के मेंबर 545 हैं, तो इस तरीके से लोकसभा के मेंबर बेटा डोमिनेंट हो जाते हैं और बिल को पास कराते हैं। तो राज्यसभा बिल को पास करने में भी बहुत ज़्यादा, अगर वो बिल मनी बिल से रिलेटेड है तो राज्यसभा उसमें कुछ भी नहीं कर सकती है, मैक्सिमम उसे 14 डेज लेट कर सकती है। तो ये सब बिल प्रोसेसिंग ला हम आगे बताएंगे जब चैप्टर में आएगा। आज हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का वर्क फंक्शन पढ़ रहे थे, तो ये तो अंदर की बात है, लेकिन वो जो मेंबर हैं जो बेटा किसी ब्लॉक को बनने में सपोर्ट कर रहे हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, इस वजह से वो पॉलिटिकल पार्टी के गाइडलाइन पर ही काम करते हैं। जो मेंबर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर बनते हैं बेटा वो लोकसभा के अंदर भी दे वर्क ऑन द गाइडलाइन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं। बीजेपी से बिलोंग करेंगे तो बीजेपी गाइडलाइन पे काम करेंगे, कांग्रेस से बिलोंग करेंगे तो कांग्रेस की गाइडलाइन पे काम करेंगे। ये ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों। इसके बाद रोल ऑफ अपोजिशन, इसके बाद शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन। देखो मैंने बताया बच्चों कि वैसे शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन मतलब पब्लिक के ओपिनियन को कानून का रूप देना, इसका पर्पस ऑफ शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन मतलब पब्लिक के ओपिनियन को कानून का रूप देना वो कुछ ऐसे होता था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं वो जैसे कुछ मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी के लोकसभा या राज्यसभा की बात मैं कर रहा हूँ, राज्यसभा के बारे में बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर होते हैं बेटा वो पब्लिक के कांटेक्ट में रहते हैं और पब्लिक के कांटेक्ट में उन्हें पता चलता है कि पब्लिक कैसा बिल चाहती है, पब्लिक कैसा लॉ चाहती है और पब्लिक कैसा कैसा कानून चाहती है। तो इस वजह से वो बेटे इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने पार्टी के बिलोंगिंग मेंबर को इन्फॉर्म करती है कि पब्लिक कुछ ऐसा बिल चाहती है, तो पब्लिक के डिमांड को पब्लिक के ओपिनियन को एक लॉ का रूप देने का काम बेटे पॉलिटिकल पार्टी ही करती है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा को इन्फॉर्म करती हैं और इसके बाद उसी का बेस पर उसी गाइडलाइन पर बेटे हमारे मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा कानून का फॉर्मेशन करते हैं, लॉ का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी हिसाब का बिल आते हैं और फिर बिल वो लॉ का रूप शेप लेता है बाई आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से पब्लिक के ओपिनियन को बेटा ये शेप देती है पब्लिक के ओपिनियन को। और इसके बाद बेटा ये लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक, गवर्नमेंट बेटे गवर्नमेंट के मेंबर तो लिमिटेड होते हैं लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बेटे बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। गवर्नमेंट के मेंबर तो 40-50 होंगे, मान लो सरकार बीजेपी चल रही है तो उसके 20-25-40 मेंबर मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, बाकी ये सब जगह तो सब कंडीशन पर अवेलेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। बट बेटे बीजेपी या कांग्रेस से जुड़े हुए मेंबर्स जो होंगे वो हर एरिया के मेंबर होंगे और वो अपने बातों को उस एरिया के लीडर उस अपनी बातों को बेटा उस एरिया के लोगों की बातों को क्या कहते हैं उन तक पहुंचाते हैं, पब्लिक के गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो यार इसके बाद गवर्नमेंट जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है उस पॉलिसी को पब्लिक तक पहुंचाते हैं, पब्लिक को इन्फॉर्म करते हैं, पब्लिक के बीच एडवर्टीजमेंट करते हैं कि दीज आर द पॉलिसीज स्टार्टेड बाई अवर गवर्नमेंट। तो इस तरीके से जो पोलिटिकल पार्टीज है इट इज वर्किंग जस्ट लाइक एज ए ब्रिज बिटवीन द पब्लिक एज वेल एज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसी को पब्लिक तक बताना, पब्लिक को इंट्रोड्यूस करना, पब्लिक के बीच में प्रचार करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द पोलिटिकल पार्टी। आई एम टेलिंग टू यू दिस इज द फंक्शन ऑफ द पोलिटिकल पार्टी दैट टू शेयर द पॉलिसीज implemented by the government and government or public के opinions को government के तक पहुँचाना। तो in this way we are seeing that political parties जो एक तरीके से bridge का काम करती है between the government as well as the public।
जो तो इस तरीके से ये हुआ, ठीक है। अब दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ द दीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज एंड द पोलिटिकल पार्टीज परफॉर्म टू दीज इम्पोर्टेंट फंक्शंस विच आर इम्पोर्टेंट। इसके बाद बच्चों अब हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज द नीड्स ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज, नेसेसिटीज ऑफ द पोलिटिकल पार्टी। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेसेसिटीज ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज, नेसेसिटीज ऑफ पोलिटिकल पार्टी, ऑफ द पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल पार्टीज। अगर बच्चों आपसे पूछता है कि व्हाट इज द नीड्स ऑफ द नीड्स ऑफ पोलिटिकल पार्टीज या नेसेसिटीज ऑफ पोलिटिकल पार्टीज, नीड्स ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करते हैं, पोलिटिकल पार्टीज, पोलिटिकल पार्टी की क्या जरूरत है। तो बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नीड्स ऑफ द पोलिटिकल पार्टी, वैसे मैं बता चुका हूँ कि पोलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ओनली इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री या हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि पोलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट इन द कम्युनिस्ट कंट्री में, थोड़ा बहुत इसका रिकॉर्ड बता सकते हैं, लेकिन बेसिकली पोलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। मोनार्ची डिक्टेटरशिप में कोई पोलिटिकल पार्टी की जगह नहीं होती है, मोनार्ची में राजा जो है वो किंग है। लेकिन बेटे हाँ, अब आप ये कहिएगा कि इंग्लैंड तो मोनार्चियल कंट्री है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, जो एब्सोल्यूट मोनार्ची होता है वहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है या एग्जिस्टेंस ही नहीं करेगा वो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब होता है किंग इज आल्सो प्रेजेंट बट ही इज ओनली फॉर द नेम, रियल पावर इज प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, दैट इज आल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री। वो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची होता है वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही होता है। इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, नॉट ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री बट दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेटिक कंट्री इंग्लैंड को कंसिडर किया जाता है। इंग्लैंड वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये कंसिडर किया जाता है। लेकिन आपको ये कहना कि इंग्लैंड एक रिपब्लिक कंट्री है, तो बेटा रिपब्लिक कंट्री नहीं है, क्योंकि रिपब्लिक कंट्री बेटा उस कंट्री को कहा जाता है जहाँ का हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक, इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ही इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक। ऐसे गवर्नमेंट को बेटा हम लोग कहते हैं, ऐसे कंट्री को हम लोग कहते हैं रिपब्लिक कंट्री। लेकिन जिन कंट्रीज का हेड इलेक्टेड नहीं होता है, नॉमिनेटेड होता है बेटा, वो कंट्रीज बेटा इलेक्टेड जो नॉमिनेटेड होता है, दैट इज नॉट इलेक्टेड, जो जहाँ इलेक्टेड ना हो वो नॉमिनेटेड हो या अपॉइंटेड हो, उस कंट्री को बेटा हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री, वो रिपब्लिक कंट्री नहीं कंसिडर करते। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री है बट इंग्लैंड एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है। बी वेरी मच केयरफुल, इंग्लैंड एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है, इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। रिपब्लिक की जगह पर वहाँ पर मोनार्चियल है, वहाँ आज भी किंग एंड क्वीन होते हैं। दे आर ओनली फॉर द नेम, रियल पावर इज प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द या गवर्नमेंट ऑफ द इंग्लैंड। इंग्लैंड के पार्लियामेंट को दुनिया की सबसे पावरफुल पार्लियामेंट के रूप में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट के पास सारे केस हैं, सारे पावर्स हैं, जो मैनुअल पावर्स होती हैं वो सब के सब पावर्स क्या कहते हैं इंग्लैंड के पार्लियामेंट के पास है। तो नीड्स के बारे में बात कर रहा था बेटा, व्हाट इज द नीड्स या व्हाट इज द नीड्स या नेसेसिटीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो बच्चों मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है। तो पहले तो आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले लिखोगे बेटा इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एज वी नो दैट पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, मींस कंटेस्टिंग द इलेक्शन इज द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना और फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, रोल ऑफ अपोजिशन, फॉर्मेशन ऑफ द लॉ, ब्रिज एज ए गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक, दीज आर द डिफरेंट फंक्शन, इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाई द पोलिटिकल पार्टीज। इफ पोलिटिकल पार्टीज विल अब्सेंट देन विच बॉडी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मिंग दीज इम्पोर्टेंट फंक्शन। क्वेश्चन ये है कि पहले आप पोलिटिकल पार्टी के फंक्शन को शार्ट में लिखो कि आप पोलिटिकल पार्टी कॉन्टेक्स्ट, पोलिटिकल पार्टीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन विनर पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट, लूजर पार्टी सीट इन द अपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिटिसाइज
पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे मेक द पॉलिटिकल पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ द लॉज एंड पॉलिटिकल पार्टीज गिव द शेप ऑफ द पब्लिक ओपिनियन एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टीज वर्क जस्ट लाइक एज ए ब्रिज बिटवीन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट. दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाई द पोलिटिकल पार्टीज. अगर बिटेक पोलिटिकल पार्टीज नहीं होगी यू विल शो दैट इफ द पोलिटिकल इन द ऑप्शन ऑफ द पोलिटिकल पार्टी विच बॉडी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमिशन ऑफ दीज लॉ एंड दीज वर्क दीज ड्यूटीज दीज फंक्शन एंड दीज फंक्शन आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री. अगर किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक होना है बेटा तो ये फंक्शन होने चाहिए. अगर ये नहीं हो रहे हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाला अपोजिशन नहीं है तो उसे हम डेमोक्रेटिक एक रियल डेमोक्रेटिक कंट्री कंसीडर करना मुश्किल हो जाता है. तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के एग्जिस्टेंस के लिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है. हम कुछ ऐसे कंपेयर कर सकते हैं बेटा पॉलिटिकल पार्टीज को कि डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी के रिश्ते को कुछ हम ऐसे दे सकते हैं कि अगर इफ वी कंसीडर एज डेमोक्रेसी एज ए शिप, अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को शिप से कंपेयर करें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होंगे बेटा वो कैप्टन ऑफ द शिप होंगे. जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन द ऑप्शंस ऑफ द कैप्टन कैप्टन के ऑप्शन में बेटा कैप्टन के ऑप्शन में कभी भी शिप अपने टारगेट प्लेस को नहीं पा सकता है. इट विल मूव हियर एंड देयर अकॉर्डिंगली टू द मोशन ऑफ द एयर. जिस तरीके जिस डायरेक्शन में एयर ब्लो करेगी उसी डायरेक्शन में हमारा शिप चला जाएगा. तो जो कैप्टन होता है बेटा वो एक उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर के जाता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंचाता है. तो जस्ट सेम लाइक इफ हम डेमोक्रेसी को बेटा शिप से कंपेयर करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन वैसे ही होता है जैसे कैप्टन का होता है. यानी डेमोक्रेटिक कंट्री के जो आइडियल हैं उन आइडियल को गेन करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल बेटे पॉलिटिकल पार्टीज का होता है. किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक आइडियल को आइडियलिज्म को इस्टेब्लिश करना दिस इज द वर्क ऑफ द डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी ओ दिस इज दीज आर द वर्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म दोज एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द establishment of the real democracy. In this way, a democratic country cannot exist in the absence of the political party. Your democracy cannot exist in the absence of the political party. Political parties are very important in a democratic country. इसके बाद बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा नीड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा. फिर इसके बाद बच्चों हम लोग डिफाइन करेंगे नंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. इन्हें कंट्री किसी भी कंट्री के बारे में बात करें बेटा तो नंबर आप हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. नंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. तो आप बातें करेंगे बच्चों हम लोग नंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो बेटे हर कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नंबर्स पाए जाते हैं और इस बेस पर हम कंट्रीज को तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं. एक ऐसा कंट्री विच हैविंग द वन पार्टी सिस्टम जहाँ केवल एक ही पार्टी है एग्जिस्ट कर रही है. कंट्री हैविंग टू पार्टी सिस्टम जहाँ पर दो पार्टियां एग्जिस्ट कर रही हैं दो पार्टी प्रेजेंट है. और मल्टी पार्टी सिस्टम जिस कंट्री में दो से ज्यादा पार्टी